हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सम्राट गेम वीके। तो फ्रेंड्स, शॉर्ट रिव्यू वीडियो है यह स्ट्रीट फाइटर 5 के ऊपर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। स्ट्रीट फाइटर 5 एक अम्यूजिंग गेम रही थी, अल्ट्रा स्ट्रीट फाइटर 4 से आगे निकली थी, पर पहले हालात ऐसे नहीं थे। शुरुआत में स्ट्रीट फाइटर 5 रिलीज़ हुई थी, ग्राफिक्स और फाइटिंग सब अच्छे थे, पर यह फैंस को इतने पसंद नहीं आ रहे थे। फैंस को अल्ट्रा स्ट्रीट फाइटर 4 ज़्यादा अच्छी लगी थी स्ट्रीट फाइटर 5 के मुकाबले, और इसके पीछे अच्छे खासे रीज़न थे। उनके रीज़न ये थे कि इसके स्पेशल मूव इफेक्ट और कॉम्बैट सिस्टम, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रीट फाइटर 4 का कॉम्बैट सिस्टम बहुत अच्छा था, बिल्कुल ही गजब अमेजिंग इफेक्ट था। और यहाँ तक सुपर मूव भी उसमें काफ़ी हाईलाइटेड थे, मतलब बिल्कुल सुपर मूव, बिग स्क्रीन जूम होते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा, और स्ट्रीट फाइटर 5 में ऐसा नहीं था। पर उसके बाद भी स्ट्रीट फाइटर 5 ने हार नहीं मानी। स्ट्रीट फाइटर 5 में एक दिक्कत ये भी थी, उसमें करेक्टर कम इंट्रोड्यूस हुए थे, जो कि अल्ट्रा स्ट्रीट फाइटर 4 से बहुत ही अलग थी गेम थी। पर जल्दी इसमें करेक्टर ऐड किए गए। हालांकि ग्राफिक काफ़ी अच्छा था, पर ये गेम ज़्यादातर इसलिए मार्केट में थोड़ी चली थी कि इसमें चार लेनास करेक्टर था, जो स्ट्रीट फाइटर में बहुत कम नज़र आता है। स्ट्रीट फाइटर में बहुत ही मतलब ना दिखने वाला करेक्टर है चार लेनास। स्ट्रीट फाइटर 5 में एक रीज़न ये भी है कि स्ट्रीट फाइटर 5 में पॉपुलर करेक्टर नहीं था जो स्ट्रीट फाइटर सीरीज़ का था, उसका नाम था चार्ली नेस तो आ गया, मतलब फी लॉन्ग नहीं था इसमें। और फाइटिंग गेम्स में फी लॉन्ग स्ट्रीट फाइटर में एक लॉन्ग करेक्टर है, जो स्ट्रीट फाइटर गेम में हमेशा हर गेम में रहा है, पर स्ट्रीट फाइटर 5 में नहीं था। इसका रीज़न मुझे नहीं पता सही से। पर उसके बाद भी स्ट्रीट फाइटर 5 में बहुत से DLC करेक्टर इंट्रोड्यूस हुए, तो स्ट्रीट फाइटर 4 के भी रिलीज़ हुए और बाकी अदर गेम्स के भी। लेकिन बॉसेस जो मेन है बॉसेस, लेकिन इसमें M-Bison था खाली, तो इसमें और बॉसेस को ऐड किया गया, और DLC करेक्टर और कुछ नए करेक्टर इंट्रोड्यूस हुए जो स्ट्रीट फाइटर में कभी ना कभी आए थे, और जो नहीं भी आए मतलब नए करेक्टर इंट्रोड्यूस हुए। सबसे अमेजिंग था इसमें मोड, पावर रेंजर मोड, और इसके अलावा और भी कई मोड्स थे, और ये गेम को इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई गेम, मतलब स्ट्रीट फाइटर 4 से आगे निकली धीरे धीरे, और काफ़ी अमेजिंग गेम रही इसी तरीके से। और सबसे अमेजिंग बात, ईवल रियो खाली स्ट्रीट फाइटर 4 में था, जिसे स्ट्रीट फाइटर 5 में भी इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर 5 में ईवल रियो नहीं था शुरुआत में। तो इसी के साथ करते हैं दोस्तों वीडियो को एंड। उम्मीद करते हैं स्ट्रीट फाइटर 6 में चार्ली नेस भी लौटे और फी लॉन्ग भी लौटे। तो कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट वीडियो बताना। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपका सपोर्ट के बिना वीडियो और अच्छी नहीं हो सकती। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय, टाटा। स्ट्रीट फाइटर 6 अच्छी हो स्ट्रीट फाइटर 5 से। बाय बाय।